हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दूध के ऊपर। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है, दूध को पीने का सही नियम आयुर्वेद में क्या बताया गया है, इसे पीने के क्या क्या लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं। आज की जनरेशन ने दूध पीना छोड़ दिया है तो उसका क्या डिसएडवांटेज उन्हें मिल रहा है, और जो पी रहे हैं उन्हें क्या इसका एडवांटेज मिल रहा है, और जो आप दूध पी रहे हैं क्या वो 100% ओरिजिनल है, यही सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी दूध के बारे में बात होती है तो बच्चों की सबसे पहले बात की जाती है कि बच्चों को कितना दूध दें, कितना नहीं दें, क्या उन्हें दूध, हमारा बच्चा तो बिल्कुल दूध नहीं पीता। तो ऐसी सारी सिचुएशन में आज मैं आप लोगों को समझाती हूँ बच्चों से लेके बड़े होने तक दूध हमारे शरीर के लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है, कितना दूध हमें पीना चाहिए। तो आइए बच्चों से लेकर शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग छोटे होते हैं तो 6 महीने तक का जो बच्चा होता है वो आपने देखा होगा, डॉक्टर्स भी आजकल यही रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दीजिए, इसमें उसको पानी भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। 6 महीने तक बच्चे को और कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क देना है और कुछ नहीं देना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे को कहा जाता है अब थोड़ा सा आप अन्न शुरू करा सकते हैं इसका। तो बच्चे की ऐसी तरह से 3 अवस्थाएँ आयुर्वेद में बताई गई है। पहले तो 16 साल तक बच्चे को बाल्य ही समझा जाता है आयुर्वेद में। तो जो 6 महीने तक की अवस्था है जिसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट है, उसे कहा जाता है शिराद अवस्था। उसके बाद जब बच्चा 6 से 8, 7 साल या 5 साल तक यदि बच्चा दूध और अन्न दोनों का सेवन करता है तो उसे शिरोनाद अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा दूध और मिल्क दोनों सेवन करता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 7 साल के बाद की जो अवस्था है 16 साल तक, तब बच्चे का जो खान पान है उसमें अन्न बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे अन्नाद अवस्था कहते हैं, वहाँ पर दूध वो कम कर देता है पीना। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूध है वो पहले जब हम छोटे थे तो हमारे लिए कितना ज़रूरी था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम लोग दूध को साइड करके अन्न के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को दूध तो देना ही है, मतलब बच्चा दूध पीने का शौकीन नहीं है फिर भी हमें उसे दूध देना है। पहले दूध की नेचर समझ लेते हैं। दूध हैवी है पचने में, यदि आप, क्योंकि जो आज की डेट में दूध आता है वो पहले तो गाय वहाँ पर दूध देगी, उसके बाद में घर में डायरेक्ट तो आएगा ही नहीं, धारो उष्ण दूध जिसे कहा गया है, मतलब एकदम दूध को दोहते ही आपके पास में आ जाए दूध, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं आज की डेट में। तो यदि आपके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बच्चे को आप जो दूध दे रहे हैं फिर वो आएगा, फ्रिज में रखा जाएगा, गर्म होगा, बहुत सारी प्रोसेस होती है दूध के साथ में, तो वो दूध फिर बहुत हैवी हो जाता है डाइजेस्ट होने में। और आप सोचते हैं दिन में 2 ग्लास आपका बच्चा बड़े बड़े ग्लास दूध के पी ले, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आप बच्चे को फिर दूध पिलाने के चक्कर में उसमें और चॉकलेट मिल्क, बहुत सारे मिल्क के जो पाउडर्स आते हैं आजकल, शेक्स बना बना के उन्हें बच्चे को देते हैं, तो आपके बच्चे का अगर अग्नि बहुत ज़्यादा मंद है तो वो बच्चा फिर उस चीज़ को डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ट्राई करें, यदि आपका बच्चा दूध पीने का शौकीन नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा मिल्क नहीं पसंद है, तो आप उसे दूध, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसका जो पोषण है वो दूध से ही मिलेगा, उसे बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसके साथ उसे ऐड करके दे सकते हैं। जैसे आप बच्चे को देसी गाय का घी खिला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उसे कर्ड दे सकते हैं, दही दे सकते हैं यदि वो दूध नहीं पीता है तो ये ऑप्शंस आप साइड में रख सकते हैं। लेकिन आप जो मिल्क उसमें ऐड करते हैं, मिल्क के अंदर जो पाउडर्स ऐड कर रहे हैं, चॉकलेट पाउडर, वनीला पाउडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर वो ना करके यदि आप बच्चों को नेचुरल पाउडर देते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियाँ बनाती है बच्चों के लिए, उसमें शतावरी पाउडर डाल सकते हैं आप उसमें मुलेठी, आप उसमें जैसे इलायची, सौंफ, अदरक, इस तरह से आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, मुनक्के का दूध बना सकते हैं, खजूर का दूध बना सकते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती है मिल्क को तैयार करने में, इसका बेनिफिट जो है वो बच्चे को अलग से मिलेगा। आप उसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ डाल रहे हैं, आपने कुछ भी अलग से आर्टिफिशियल जो आजकल चीज़ें बनी होती है वो नहीं डाली है वहाँ पर, तो वो दूध बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप जो बच्चे को चॉकलेट मिल्क ये सब बना कर दे रहे थे, यदि बच्चा फिर भी
चॉकलेट मिल्क की जिद करता है, तो कोकोआ पाउडर जो आता है नेचुरल वाला, वो एक सेफ ऑप्शन है, आप वो बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा भी बहुत कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं डालनी है, क्योंकि वो भी नेचर में गर्म होता है। तो ट्राई करें इसका जो सेवन है वो बच्चों को बहुत लिमिटेड मात्रा तक ही कराएं, और ट्राई करें बच्चा जो दूध पी रहा है वो गुनगुना हो, ठंडा दूध बच्चों को ना दें, शरबत मिला के बच्चों को जो देते हैं हम लोग, तो वो चीज़ें ना करें। अब ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बच्चों को किस तरह से दूध देना है, कितना बच्चों के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग समझते हैं कि जो दूध है वो मतलब किस तरह से हमें उसको बॉईल करना चाहिए, किस तरह से उसका सेवन करना चाहिए। तो देखिए, जब हमारे घर में दूध आता है तो सबसे पहले तो ये जांच ज़रूरी है कि आपके घर में जो दूध आ रहा है, आसपास की जो डेरीज़ हैं उन पर ट्राई करें कि आपको देसी गाय का दूध यदि मिल जाता है, जो हाइब्रिड काउज होती हैं आज की डेट में, बाहर की जो जर्सी गायें है, वो ना लेकर आप लोग देसी गाय का, जो इंडियन काउज हैं, इंडियन ब्रिड्स हैं, उनका सेवन करें, उनके दूध का सेवन करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप जो बाहर की गाय का दूध पी रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप अगर आपके घर में देसी गाय का दूध आता है तो उसे आप ट्राई करें, उबालें किस बर्तन में, एल्यूमिनियम के या स्टील के बर्तनों में ना उबालकर उसे लोहे के या मिट्टी के या पीतल की कढ़ाई करे हुए बर्तनों में यदि आप उबालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे आपके स्वास्थ्य के लिए होगा। तो आप अगर दूध उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, क्योंकि यदि आप पानी ऐड किए बिना दूध को उबालते हैं, और आपने देखा होगा दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो गर्मी में उबलना होता है, और उसके बाद में यदि आप फ्रिज में रखते हैं तब तो लोग एक ही बार उबाल के रखते हैं, लेकिन फ्रिज में ना रख कर दूध को नॉर्मली बाहर रखा रहने दें, गर्मी में भी बाहर रखने दें, और 4 से 5 घंटे के अंतराल में उसको गर्म कर लें। आपको एक टाइमिंग पता चल जाएंगी, 1-2 बार जब आपका दूध फटेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपको दूध को गर्म करना ज़रूरी है। तो आप उसका एक टाइमिंग से आपको पता चल जाएंगे कि हाँ इस टाइम पे दूध गर्म करेंगे, नहीं तो फट जाएगा। तो ये ट्राई करें कि फ्रिज में ना रखकर दूध को बाहर रखें और उबाल लें अच्छे से। अब दूध का सेवन रात को बहुत अच्छा बताया गया है, आयुर्वेद में कहा गया है यदि आप दूध का सेवन जो है वो रात्रि में करते हैं तो वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कैसे व्यक्तियों को रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए, ये जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ होती है, कफ की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कफ दोष रहता है शरीर में, जुकाम, खांसी, नज़ला, इस तरीके की तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, ऑलरेडी मोटे हैं, या रात को बहुत लेट तक खाना खाते हैं और उसके बाद में खाना खाते ही सो जाते हैं और आप सोचते हैं उनको दूध भी देना है इसके ऊपर से, तो ऐसे लोगों को मिल्क बिल्कुल ना दें रात में। किन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग खाना, जैसे आप लोग अगर 10 बजे सोते हैं और 7 से 8 के बीच में अपना खाना खा लेते हैं तो 2 घंटे बाद आप लोग दूध ले सकते हैं, दूध के साथ आप कुछ रसायन ले सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में च्यवनप्राश ले सकते हैं, आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं, बारिश के दिनों में, सर्दियों में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए होगा। कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब दूध का सेवन कितना करें, 1 कप से या थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं, मतलब 1 छोटा ग्लास आप समझ सकते हैं उतना दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा दूध पीकर रात को सोना, फिर आपको बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी वो दूध का जो सेवन है वो आपके लिए गलत हो जाएगा फिर। अब दूध किस तरह से, किस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, देखिए जो लोग वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, उनके लिए तो दूध अमृत है, क्योंकि जो वात दोष हैं उसको दूध बहुत अच्छे से ठीक करता है, क्योंकि आपके शरीर को स्नेह प्रदान करता है, आपके शरीर में चिकनाहट क्रिएट करता है, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। पित्त प्रकृति वालों के लिए कैसे अच्छा है, पित्त प्रकृति वालों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपके शरीर में जो बढ़ी हुई अग्नि है उसको कम करेगा। दूध नेचर में ठंडा होता है और जो दही होता है उसका नेचर हमेशा गर्म होता है। तो देखिए, अब जो बार बार उबाल कर हम लोग दूध पीते हैं वो तो हैवी हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कई लोग पूछते हैं मैम हमारे यहाँ ना पहले गांव में कच्चा दूध पी जाया करते थे, तो कच्चा दूध कौन सा पीने को बोला है आयुर्वेद में, आयुर्वेद कहता है जो गाय है गाय का ही कच्चा दूध पिया जा सकता है। कैसे, यदि वो धारो उष्ण है, मतलब उसको निकालें और वो गर्माहट उसमें रहती है, मतलब गर्म होता है जब दूध को निकाला जाता है, धोया जाता है उस समय, तो वो दूध आप बच्चे को भी पिला सकते हैं, धारो उष्ण दूध, वो इतना सेफ होता है कि आप छोटे बच्चे को, 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चे को जिसकी मदर
नहीं है, मतलब या फिर मदर को मिल्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे मदर्स को के जो बच्चे हैं उनको भी आप ये दूध पिला सकते हैं, बिना गर्म किए आप उस दूध को उन्हें दे सकते हैं, ये उतना सेफ़ है। अब आप सोचिए इतना छोटा बच्चा पी सकता है तो आपके लिए कितना सेफ़ होगा। तो आप ट्राई करें कि जो एकदम गर्माहट लिए हो वही दूध का सेवन करें, यदि आपके पास अवेलेबल हो वहाँ पर तो। लेकिन कंडीशन यही है कि वो देसी गाय होनी चाहिए, तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं दूध के क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं हमारे शरीर को यदि हम इसका विधि पूर्वक सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बात बता दी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, चाहे उसमें बच्चा हो या कोई बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है जिनका, तो उन लोगों को दूध बिल्कुल ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना दें, थोड़ा बहुत दूध वो ले सकते हैं, लेकिन यदि वो लोग बहुत ज़्यादा मिल्क का सेवन करते हैं तो वो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग थोड़ा काम करते हैं, बहुत थोड़ा भागते रहते हैं, जैसे हाउसवाइफ होती है, यदि घर में बैठी रहे, झाड़ू पोछा भी काम वाली करने आती है, या फिर बर्तन वर्तन और आपके कपड़े वगैरह सब बाहर कोई मशीन से वॉश होते हैं और आप सिर्फ बैठे रहते हैं, तो भी ना लें। लेकिन जो हाउसवाइफ खुद करती हैं ये सारे काम, तो वो दूध ज़रूर लें, उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम आपने देखा होगा ब्लड आता है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है, अल्सर है, नाक से नकसीर आना और मसूड़ों से खून आना, महावारी के दौरान स्त्रियों में रक्तस्राव की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होना, तो ये सब पित्त दोष के लक्षण हैं, तो वहाँ पर भी दूध उनके लिए अमृत का काम करेगा। जो बच्चे ज़्यादा बैठे होते हैं तो उनको दूध ज़्यादा ना दें, उनको थोड़ा बहुत दूध दें, यदि वो नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत दूध देते हैं, उन्हें फोर्स करके दूध ना पिलाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जिनका शरीर सूखने लग गया है, मतलब उनको एक तो लंबे समय से फीवर है बहुत टाइम तक, और जब भी चेक कराते हैं फीवर नहीं निकलता है, तो एक होता है ना जीर्ण ज्वर जिसे कहा जाता है, तो वो अगर प्रॉब्लम है आपके साथ तो भी दूध आपके साथ अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि आपका शरीर बहुत सूख रहा है, डिजनरेट हो रहा है आपका शरीर, जैसे टीबी के मरीज में होता है, वो बहुत ज़्यादा उनको सूखी खांसी चलती है और उसके बाद में उन्हें बहुत, मतलब शरीर गिरता जाता है, कमी आती रहती है शरीर में, क्षय होता है शरीर का, तो वहाँ पर भी दूध उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, उन्हें दूध दे सकते हैं, लेकिन जो खांसी है उसमें बलगम ना हो, जुकाम अगर, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा दमा अस्थमा इस तरह की प्रॉब्लम है लेकिन उसमें भी बलगम नहीं है, कफ नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर दूध बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसका काम ही है चिकनाहट प्रदान करना। तो आपके जो गला है, यदि उसमें बहुत ज़्यादा सूखी खांसी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर दूध बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, खाना खाते हैं उसके बाद बोलते हैं हमारे पेट में, मतलब गोले जैसा लग रहा है, वायु इधर उधर घूम रही है पेट में, तो एक तरह के वायु का जो गोला है वो घूमता रहता है इधर उधर, तो उस केस में भी जो दूध है वो बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को जैसे बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो वहाँ पर भी जो दूध है वो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा, हेयर्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखिए वात पित्त के लक्षण हैं, तो इनको ही कम करता है, तो ऑब्वियसली जो आपके मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, आपकी जो स्किन है उसमें भी अच्छा काम करेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए कहा गया था कि जो दूध है वो अमृत के समान है। आज की डेट में हम लोग इंटरनेट का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें आईज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आँखों में बहुत दर्द होता है, तो दूध इतना सेफ होता है कि आप उसको आँखों में दो दो बूंद डाल सकते हैं, आईज़ में मतलब आपकी जो थकान है वो मिट जाएगी और आप दूध का सेवन कर सकते हैं, तो आपकी जो शरीर में गर्मी है बढ़ी हुई उसे कम होगा। इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करने से, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने से आपका जो दिमाग है वहाँ पर, आपके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, तो वो भी दूध मतलब बहुत अच्छे से आपके दिमाग को ठंडक देता है, ताजगी देता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मानसिक विकार है, मानसिक, जैसे कई लोग बोलते हैं ना क्या पागलपन वाली हरकतें कर रहा है, तो वहाँ पर भी दूध बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं थोड़े, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उनको कुछ भी कह दो थोड़ा सा वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी दूध बहुत अच्छा है। जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बैठते ही नहीं है, सारे दिन उछल कूद कभी किधर कभी किधर, उन लोगों के लिए भी दूध बहुत ही अच्छा है।
आपने कई लोगों को देखा होगा, उनका ना बार बार पानी पीने का मन करता है, मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो दूध है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। हृदय रोग यदि आपको है तो हृदय के लिए, हार्ट के लिए दूध बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे कुछ मानसिक विकार हैं और जो कुछ शारीरिक रोग हैं जिनमें दूध का जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा अमृत तुल्य है। ऐसे ना जाने और कितने सारे ढेरों इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियो में कवर करें। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।